इंच यहाँ देख लीजिए, 9 इंच हम लोग क्या करेंगे चौड़ा गड्ढा खोदेंगे। रुपए मीटर पड़ा हुआ है, 90 या 90 रुपए के आसपास ये हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा 1 किलो ये वायर है। ठीक है चलिए हम रॉड को, तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए इस तरह कटिंग कर रहे हैं और कटाए हैं, तो हमारा बल्ब देखिए अब हम लोग अर्थिंग में टच कर रहे हैं, तो देखिए हमारा बल्ब जल रहा है यानी हमारा। दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले दोस्त, आप सामने देख रहे हैं ये 3 फ्लोर की वेल्डिंग बनी हुई है और दोस्तों यहाँ पर हमने वॉल कटिंग का काम कंप्लीट कर दिया है, स्लेप छत की पाइपिंग कटिंग कर दिया। अभी इस वेल्डिंग में दोस्तों अर्थिंग करना बाकी है और इसकी फुल वायरिंग करनी है और इसका पूरा कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग अर्थिंग बनाने वाले हैं। इन 3 फ्लोर में कौन सा अर्थिंग बनाने वाले हैं, प्लेट अर्थिंग बनाने वाले, पाइप अर्थिंग बनाने वाले, तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग अर्थिंग 2 टाइप की होती है, एक प्लेट अर्थिंग होती है, एक पाइप अर्थिंग होती है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अर्थिंग करने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर पाइप अर्थिंग करने वाले हैं और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास कुछ सामान ले आए हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए केमिकल लाए हैं, 25 किलो की बोरी लाए हैं जिसको चारकोल या अर्थ केमिकल बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अर्थिंग के लिए रॉड लाए हैं 2 मीटर का, लगभग 7 फीट का लाए हैं। दोस्तों 3 मीटर का भी आता है, 2 मीटर का भी आता है, 1 मीटर का भी आता है, तो जहाँ जिसे रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर हम लोग इसको लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 है प्योर कॉपर का रॉड है और इसकी मोटाई की बात करें दोस्तों तो लगभग 2 इंच मोटा है और लंबाई की बात करें दोस्तों 7 फीट की लंबाई है और ये हमारा 25 किलो का नेट बोरी है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग क्यों करना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि गांव में जो ट्रांसफार्मर से करंट आते हैं हमारे घर तक, वो कभी कभी अर्थ उसका न्यूट्रल कमजोर होता है, तो हम लोग कभी कभी अर्थ में जोड़ देते हैं, इसके लिए करते हैं। दूसरा अर्थिंग दोस्तों हम लोग करते हैं अपने सेफ्टी के लिए कि हम घरों में कोई भी सामान वगैरह कुछ भी लगाए रहते हैं उसमें कभी कभी बॉडी में एक लीकेज करंट आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों उस करंट को हमें शॉक ना लगे सीधा उस करंट जमीन में चला जाए, तो इसलिए भी हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अर्थिंग के लिए हम लोग गड्ढा खोदने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे लगभग हम गड्ढा खोदेंगे लगभग यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो गड्ढा हम लोग 8 से 9 इंच यहाँ देख लीजिए, 9 इंच हम लोग क्या करेंगे चौड़ा गड्ढा खोदेंगे। ठीक है यहाँ पर हम लोग 9 इंच को गड्ढा खोद दिया है, उसके बाद इसको कितना हाइट तक कितनी गहराई तक खोदेंगे तो दोस्तों लगभग हमारा रॉड जो डालने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर 7 फीट का रॉड डालने वाला है, तो हम लगभग 6 इंच ज़्यादा यानी 7.5 फीट हम लोग गहराई में गड्ढा खोदेंगे। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर ये आप देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉड को और यहाँ पे जो हमारा पाइप है इसको एक बार इसको हम लोग अभी न्यू पाइप लाए हैं। प्राइस की बात करें दोस्तों तो लगभग ये हमारा जो मार्केट में दोस्तों ये मिला हुआ है दोस्तों, ये आपका 2 मीटर का लेंगे दोस्तों तो लगभग 4,000 रुपये का मिलेगा और दोस्तों अगर 3 मीटर का लेंगे तो दोस्तों ये हमारा 6,000 रुपये का मिलेगा, 1 मीटर का लेंगे दोस्तों 2,000 रुपये का मिलेगा। दोस्तों केमिकल इसके साथ मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने रॉड को क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर जो केमिकल रॉड था इसको हमने बाहर कर दिया। दोस्तों ये प्योर कॉपर का है, इसके अंदर थोड़ा केमिकल डाला गया है फिर इसके अंदर एक रॉड डाला गया है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा बाहर से देख लेते हैं इसमें डिटेल क्या लिखा है। यहाँ दिखा अर्थिंग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कोई रॉड, जिस रॉड को जमीन में गाड़ा जाता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। डाई 50 mm का है, मॉडल कॉपर का है और लेंथ दोस्तों 2000 mm का है, इसकी मोटाई 2 इंची है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम जहाँ जहाँ भी हाउस वायरिंग करते हैं वहाँ पर अर्थ का काम मैं स्वयं करता हूँ और वहाँ पर पूरा काम मैं खुद ले लेता हूँ। तो हमने चलिए देखते हैं इसको हम यहाँ पे लगा तो देंगे, देख लीजिए ये गड्ढा है और यहाँ ये गड्ढा खुद जाएगा, तो यहाँ गड्ढा में लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों ऐसे ऐसे ले जाके यहाँ पर कोने कोने से ले जाके आपको देख रहे हैं यहाँ से इस तरह कोने कोने ले जाके और यहाँ पर हमने मेन बोर्ड का सिस्टम बना दिया है। यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर मेन बोर्ड का सिस्टम बना दिया, यहीं पर कॉपर वाला रॉड ला के छोड़ देंगे और दोस्तों यहीं से हर जगह कनेक्ट हो जाएगा PVC वायर से। अभी हमने जो यहाँ पर वायर लिया दोस्तों ये नंगा वायर है, इसका दोस्तों ये मार्केट में हमें 1,000 रुपये किलो का मिला हुआ है। दोस्तों हमने 1 किलो में दोस्तों हमारा यहाँ पर लगभग 9 मीटर ये वायर चढ़ा हुआ है टोटल। दोस्तों हमने यहाँ पर 9 मीटर हमारा वायर चढ़ा है, लगभग बात करें मीटर भी दोस्तों तो लगभग ये हमारा 90 रुपये मीटर पड़ा हुआ है, 90 या 90 रुपये के आसपास ये हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों हमारा 1 किलो ये वायर है। ठीक है चलिए हम रॉड को क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमने डाल दिया, देख लीजिए हमने रॉड को यहाँ पे अंदर डाल दिया है, लगभग 6 से 7 इंच अंदर रहना चाहिए और यहाँ पर हम लोग चेम्बर बनाएंगे, तो कस्टमर को बता दिया कि यहाँ 9x9 का चेम्बर बनेगा। तो हम दोस्तों रॉड को डालने के बाद हम लोग केमिकल डाल देते हैं, यहाँ पर नमक कोयला और यहाँ पर चूल्ड करके इसको केमिकल कंपनी ने बना के दिया है। दोस्तों हम लोग इसको क्यों डालते हैं तो ये आपको बता देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो अर्थ हो उसमें काफ़ी दिन तक नमी बना रहे
और यहाँ पे मिट्टी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा मिट्टी भी डाल देते हैं, मिट्टी और केमिकल दोनों साथ में डालते हैं और पानी भी डाल देते हैं। केमिकल दोस्तों कोयला से क्या होता है, हमारा जो ये नमी होता है दोस्तों काफी दिन तक बना रहता है। दोस्तों कहीं कहीं पाइप अर्थिंग भी, प्लेट अर्थिंग भी होती है, कहीं कहीं पाइप अर्थिंग भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो अर्थ करने वाले हैं दोस्तों, अर्थ किए हैं दोस्तों, यहाँ पर पाइप अर्थिंग किए हुए हैं हमने। यहाँ पर देख लीजिए, हमने पानी को भी डाला है, मिट्टी को भी डाला है और केमिकल को डाला है, और इस तरह थोड़ा मिट्टी को अच्छे से दबा देते हैं ताकि हमारा जो मिट्टी रहे सारी मिट्टी अंदर बैठ जाए। और दोस्तों इसके लाइफ की बात करें दोस्तों, तो लगभग ये हमारा 20 साल के लिए फुर्सत है दोस्तों। अगर ये हम इसके 6-7 महीने में चेंबर से पानी डाल देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 20 साल आराम चल जाएगा। और दोस्तों बात करें कि अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर करता है कि अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। दोस्तों अर्थ रेजिस्टेंस 0-1 से 3 ओम के बीच में होना चाहिए, या इसके अंदर रहेगा तो भी चलेगा, 3 ओम तक भी रहेगा तो चलेगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं वहाँ से 1 से 3 ओम तक ही चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा तो अर्थ सही नहीं माना जाता। और 4 ओम भी रहेगा तो भी चलेगा, और 5 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से 3 हो तो काफ़ी वेस्ट है, और 5 तक है तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग क्या कर दिए हैं, पानी को भी डाल दिए हैं और फिर मिट्टी को डाल के फिर इसी तरह पूरा एकदम अंदर धंसा देते हैं, और यहाँ पर हमारा दोस्तों अर्थ इलेक्ट्रोड कम्प्लीट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो हम लोग दोस्तों अर्थिंग कर रहे हैं दोस्तों, जमीन अपने मकान से लगभग 1.5 मीटर के डिस्टेंस होना चाहिए, और ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा लेकिन 1.5 मीटर होना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे मकान होते हैं जहाँ पर दोस्तों 1.5-2 मीटर की जगह नहीं होता, तो हम लोग उसी मकान के घर के अंदर भी कर देते हैं, तो करना मजबूरी हो जाता है, नहीं तो 1.5 मीटर की दूरी पर हम लोग करें। और यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ केमिकल को पूरा प्रॉपर तरीके से कर दिया है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग मिट्टी को भी लगा दिया है, और यहाँ पर देख लीजिए हम लोग यहाँ पर इसको प्लेन कर दिया है, और यहाँ पर हमने अर्थिंग कंप्लीट कर दिया। दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें। दोस्तों एक पाइप अर्थिंग मैंने और किया हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, उसमें भी हमने पाइप अर्थिंग के बारे में किस प्रकार की है उसको हमने आपको बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर दिया, हम यहाँ पर गोला सा एक पाइप लगा देते हैं, देख लीजिए यहाँ से गोला सा पाइप लगा दिए, और यहाँ पर एक कॉपर का नट ले लिए जो मार्केट में दोस्तों 30-40 रुपए का हमें मिला हुआ प्योर कॉपर का नट है, जिम की पाली छड़ी, और हमने यहाँ पर ये नंगा वाला वायर ले लिया। अब यहाँ से जोड़ के दोस्तों हम लोग मेन सप्लाई तक ले जाएंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमको यहाँ पर देख ली कॉपर वाला वायर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जमीन बनने वाली है और यहाँ पर हमको मेन बोर्ड यहीं पर रखना, तो हमको यहाँ पे निकाला। चलते हैं दोस्तों, हम लोग कैलेंडर से क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके एक पाइप डाल देते हैं अंदर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए इस तरह कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करके क्या करेंगे दोस्तों, 1 इंच वाली पाइप जो होती है उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, पाइप डाल देंगे, और उसी पाइप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 mm का तार है, नंगा वायर है, उसकी नंगा वायर को हम लोग यहाँ अंदर अंदर ले लेंगे। बहुत से इलेक्ट्रिशियन भाई लोग का क्वेश्चन होगा कि जब अर्थिंग जमीन में बनती है तो फिर पाइप डालने की जरूरत, दोस्तों पाइप डाल देंगे तो हमारा जो भी लीकेज करंट होगा सीधा जमीन के अंदर जाएगा जहाँ पर हमारा अर्थिंग बना हुआ है, ना कि दीवार वाल पर नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पाइप यहाँ तक लाए, 2 बैंड की मदद से यहाँ देख लीजिए, 2 बैंड को हम लोग इस तरह फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके और यहाँ पर हम लोग इस तरह से पाइप को अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर जो हमारा वायर है इस तरह देखिए कितना दिक्कत से हमारा जा रहा है, हमने यहाँ पर देखिए ये इस तरह से कितने अच्छे से हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है, और हमने यहाँ पर तार को बाहर निकाल दिए हैं, इतना वायर हमने 4 mm का लगभग 0.5 मीटर के आसपास निकाल दिए, जब हमारा यहाँ NCB लगेगा तो यहाँ पर कनेक्ट कर देगा। दोस्तों इस बिल्डिंग में हम फॉर सेलिंग वायरिंग करेंगे, तो उसका वीडियो हम आपको इसी चैनल पर डाल देंगे। दोस्तों हमारी अर्थिंग कंप्लीट हो गई, अब बारी आती है इसको टेस्ट करने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर देख लीजिए, इस बोर्ड में हमने न्यूट्रल फेज सप्लाई ले आया, और हमारा यहाँ पर बल्ब जल रहा है। चलिए दोस्तों हम बोर्ड से फेज दे देते हैं, और अर्थ एक तार फेस में लगाते हैं बोर्ड में, और दूसरा तार हम यहाँ पर अर्थ में लगाते हैं, देखते हैं हमारा बल्ब जलता है या नहीं जलता है, हमारी अर्थिंग सही है या नहीं सही है। दोस्तों हम यहाँ पर देख लीजिए टच कर रहे हैं, तो हमारा बल्ब देखिए, अब हम लोग अर्थिंग में टच कर रहे हैं तो देखिए हमारा बल्ब जल रहा है, यानी हमारा जो अर्थिंग है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गई है। दोस्तों अर्थ रेजिस्टेंस 0 से 5 ओम तक होना चाहिए। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।